नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदाबुली। इनकी शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। कोरोना के खिलाफ जंग किशोरों के लिए वैक्सीन, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशंस डोज। बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, राहुल गहलोत, केजरीवाल और ठाकरे ने जताई खुशी, कहा पीएम ने मान ली हमारी मांग। 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की ने की शादी, हाईकोर्ट ने कहा इस्लाम में यौन परिपक्वता ही विवाह के लिए सही उम्र, नव दंपत्ति को दी जाए सुरक्षा। इस साल आखिरी बार पीएम मोदी ने की मन की बात, 84वें संस्करण में की राष्ट्र को संबोधित। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कर्नाटक सरकार ने लगाया 10 दिनों का नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 100 के पार, स्वास्थ्य मंत्री बोले ऑक्सीजन की खपत बढ़ने पर फिर लगेगा लॉकडाउन। आतंकियों का अंत, कश्मीर घाटी में बीते 24 घंटे में 3 मुठभेड़, एएसआई के हत्यारे समेत 5 दहशतगर्दों का खात्मा। अब फ्रांस में मचा कोहराम, बीते 24 घंटे में मिले 1,00,000 संक्रमित, लंदन में हर 20वां शख्स संक्रमित। आज हमीरपुर में होगा सत्ता का संग्राम, महिलाओं और युवाओं से होगी चर्चा, नेताओं से पूछे जाएंगे सवाल। नया खुलासा, लुधियाना की सेंट्रल जेल में रची थी कोर्ट धमाके की साजिश, तस्कर चीता और बॉक्सर रिमांड पर। 8 दिन में बदले हालात, येलो श्रेणी में पहुंची दिल्ली, रात्रि कर्फ्यू की घंटी बजी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे उत्तराखंड, सियासी तनातनी के बाद अहम का दौरा। बेटी की सगाई पर स्मृति ईरानी ने दिखाया सास वाला रूप, होने वाले दामाद का वार्निंग के साथ किया गया स्वागत। मन की बात में पीएम मोदी बोले लोगों को किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अच्छा ट्रेंड है। कानपुर आईटी रेड में पीयूष जैन ने कमीशन से कमा लिए 181 करोड़ रुपए, 40 बक्सों में भरकर भेजा गया काला धन। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा।